देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ मेघाजन। आइए रुक करते हैं आज के कुछ ताजा खबरों पर। नया सानवाड़ा के ग्रामीणों व विश्व हिंदू परिषद सिरोही ने पिंडवाड़ा उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर नया सानवाड़ा में माइंस की लीज को खारिज करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि गांव के फलेजी बाउसी मंदिर के ओरण तथा तालाब कैचमेंट एरिया में खनिज विभाग की ओर से ग्रेनाइट माइंस के पट्टे के लीज की स्वीकृत की गई है। जिस जगह माइंस स्वीकृत की गई वहां अन्य जीवों का अभ्यारण क्षेत्र है। मवेशियों के लिए ओरण क्षेत्र होने से उनकी गोचर भूमि है। यह क्षेत्र लोक देवी देवताओं के मंदिर होने से धार्मिक दृष्टिकोण से भी गलत है। ऐसे में खनिज विभाग की ओर से हिंदू धर्म को दरकिनार करते हुए जिस जगह माइंस अलॉट की है वह लोदरी पहाड़ी है, जो हिंदू देवी देवताओं के पूजनीय स्थल होने से श्रद्धालु सदियों से परिक्रमा व पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। उसी जगह माइंस आवंटन की गई है। प्राचीन मंदिर के ओरण व तालाब क्षेत्र में माइंस आवंटन को लेकर ग्रामीणों में खासा रोष व्याप्त है, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद व ग्रामीणों ने पिंडवाड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। और बासिक स्थान है और मोर वगैरह वहाँ विचरण करते हैं पैंथर, और उसके बाबत में यानी कि हमने दी है कि वहाँ लीज घोषित की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, हम विभाग की तरफ से, उसके विरोध में हमने ज्ञापन दर्ज करवाया है। वहाँ महिम राज्यपाल जी को उपखंड अधिकारी जी को दिया है। उग्र इसके पीछे उग्र आंदोलन, अगर ये हमारी बात को नहीं माना गया तो इसके पीछे हम उग्र आंदोलन में करेंगे और अनशन धरना प्रदर्शन करेंगे। तभी यहाँ पर सानवाड़ा ग्राम में एक धार्मिक स्थल को सरकार द्वारा ग्रेनाइट की माइंस घोषित किए जाने के विरोध में माननीय राज्यपाल महोदय के नाम का एक ज्ञापन आज उपखंड अधिकारी महोदय कार्यालय में हमने दर्ज करवाया है। वहाँ पर ग्रामवासी एवं सनातन धर्म की धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है एवं वन्य पक्षी में राष्ट्रीय पक्षी मोर का भी वहाँ आवागमन रहता है, चीते वगैरह भी वहाँ रहते हैं, तो यह माइंस आवंटन न करके इसको खारिज किया जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। न्यूज 21 के लिए राकेश वैष्णव की रिपोर्ट।